गाइस देख लो भाई, यूरा पिल्ला भाई, इसके कीड़े पीड़े पड़ रहे दिखे मुझे तो, ऐसा लग रहा इसका। गाइस देख लो भाई, यो है इनकी माँ, और देख लो भाई इसके भी पता ना क्या दिक्कत होगी भाई, मैंने तो इस पर ध्यान दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, आपका स्वागत है पिटबुलर ब्लॉग में। गाइस मैं अभी मंदिर पैसे आया था, तो भाई मेरे पीछे पीछे चिंटू आ गया। गाइस पहले जाके चिंटू को दूध देते हैं, और इसे देख लो गाइस, यू भी नीचे आ गया भाई, आवाज सुनते चिंटू का, देख लो चिंटू वो खड़ा भाई बाहर, चिंटू से मिलो तुम भाई, चिंटू देख लो खड़ा, चिंटू आ गया भाई दूध मांगने, कितना खुश हो रहा जो जो भाई इससे मिलना आ गया, जो जो नहीं अरे भाई जो जो जब भी नीचा हुआ तो इससे जरूर मिलता है। गाइस चिंटू को दूध दे दिया, देख लो भाई कितना खुश होगा फिर भाई, मेरे सुबह से जब से मैं मंदिर से आया मेरे पीछे पीछे घूम रहा। गाइस चिंटू तो भाई दूध पी के हट गया, दूसरा चिंटू को भाई आ गया, चिंटू भाई को दूध दिया, पर भाई ये दूध ना पी रहा, पता ना क्या हो गया इसका भाई, मुझे तो लग रहा है वो बीमार हो रहा भाई, इसे चेक करवाना पड़ेगा। और भाई जो जो भी बाहर आ गया, जो जो तो इनके बिस्कुट भी खा गया सारे यहाँ पड़े थे, जो जो पीछे हट जा भाई, अभी इसके दौरे लाना सही ना, कभी वो भी बीमार हो जा, पीछे हट, चल अंदर, चल अंदर चल। भाई चिंटू को भाई कुछ ज्यादा बीमार सा लग रहा भाई, देख लो ये आ गया भाई, नाली की तरफ बग रहा था, अब इसके इसे में पानी देना पड़ेगा भाई, मैंने ये लगा रखा यहाँ से दो तीन बार तो तोड़ दिया था किसी ना, अरे भाई ये मैंने बांध ही दिया, ले भाई और वो पहुंच ले भाई वहाँ पे। मेरी बड़े वाली दीदी घर पर आई हुई है ना, मेरी भांजी बुला रही है मुझे, देख लो मैं तो अपनी भांजी से मिलाता हूँ पहले, ये मुझे बुलाने लग रही है। हाँ बता बता, कपड़े धो लो। ओ भाई देख रहे हो कितनी हरामी हो रही है, देख लो भाई मेरी बहन कपड़े धो रही है ना, तो कह रही ये कपड़े धो लो, बताओ ये मुझे कपड़े धोने को बुला रही है। जा रहा हूं अभी अपने डॉग्स के लिए मट्ठा लेना। भाई गंजी ने सारा देख लो दूध जो रखा था ना, इनने सारा बिखेर दिया था ना, बिखेर दिया सारा दूध, बिखेर दिया पिल्ले ने बिखेरा तू नहीं तो बिखेरा था अभी भाई, दूध बिखेर का शर्मा का भागी। रेस लगाओ, रेस रेस लगाओ, रेस रेस एक बार भाई, रेस होगी रेस होगी रेस होगी, भाई फाइनली रेस में हम जीत गए। दो किलोमीटर ठंडा करने के लिए बर्फ डाल रखी है भाई, मट्ठा भी ले लिया क्योंकि वो अपनी दोस्ती दुकान है ना, अब मट्ठा तो ले लिया, अब एक चीज और लेनी भाई, क्योंकि जो छोटे छोटे पिल्ले ना उनके लिए दवाई और लेनी, उनका ज्यादा पिस हो रहे, और साथ में देख लो भाई मेरे साथ गंजा भी आया था, गंजा रास्ते में मिल गया, इसे रास्ते में से उठा लिया मैंने। फाइनली घर तो आ गया हूँ भाई, पर दवाई ना मिली पिल्लों की, मट्ठा तो मिल गया, तो देखता भाई कहीं और से लगा, और एक पिल्ले का भाई आंख पे भी दिक्कत हो रही है, आंख में देखो भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्या ना दिक्कत हो रही है, यहीं से दवाई लाकर डाल देंगे उसकी आंख में भी। गेहूं भी आ गया, मैं चला गया तो चाहे ना, और पापा चले गए तो भाई गेहूं लेना, साथ में रनुज भी आ गया, उतरवाना पड़ेगा, अब थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, साथ में लग के वो खड़ा गेहूं तार तार देख लो, सबसे पहले का कट्टा मैं नहीं तारता, वो हाथ से ही फट गया, पूछा मैंने कुछ भाई मेरा हाथ चिकने हुए पड़े थे, पसीनों में गैल फिसल गया, पूरा पूरा कट्टा फट गया भाई। भाई अनुज भी जा रहा भाई, क्योंकि अनुज ऐसे आया था घर पर कोई भी ना, देख लो ना खुद सोरी ना सुन दे रही, मैंने इसका फोटो खींच लिया इस फोन में, और भूत के द्वारा भेज दिया, अब इसके द्वारा आओगे भूत, अब इसे लेकर जाओगा कमरे में, ऊपर बंद है, देखिए इसके द्वारा भेज दिया, सही है अभी वो आएगा देख कमरे में, चल अब फोन कर दिया मैंने से, हेलो देख फोन आ गया उसका, हेलो हाँ फोटो भेज आ गया तेरे द्वारा, ठीक है यहीं लौटी हो, जो शैतान नहीं कर रही हो, आवाज नहीं आ रही, अच्छा ऊपर जाते तो ही पकड़ लेगा, तो ले कहूँ सा, अच्छा लाइट बंद कर दो दोनों, ठीक कर रहा हूँ, तबीयत खराब हो जाओ, ठीक है मैं लाइट बंद कर रहा हूँ अभी। आ जा तू, ये तो भूत के डर से गैली रोने लगी, अभी से भाई चॉकलेट दिवा कर लानी पड़ेगी, जब भी आ जाओगी देख लो ये उठ भी ना रही, चॉकलेट लगाओगी है चॉकलेट खाएगी तू, जब ही चुप होएगी, नहीं तो चुप रहूंगा। अरे जल्दी ओ भाई लिए लो, इन्हें सारे कपड़े वपड़े सान लिए अपने, देख लो भाई बस साई में संजय के दिखाई के बेरा, हंस के दिखा लेकर चल रहा, मैं तुझे पता किसके दौर लेकर जा रहा हूँ, जिसके दौरा फोन करा था, अब देखूंगा देख तुझे, अब देखूंगा देख, वो देख रहा, अब लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है ये शैतान नहीं बहुत ज्यादा करे मानती ना, अब देखो उस वाले कमरे में रहा है, देखो जो सामने रह, देख जो कमरा ना ये वाला सामने इसके अंदर है, अब मैं तो यहाँ से फेंक दूंगा, ले भाई ले ले जा,
उसे बुला लूं। आ जा देख अभी उसमें आएगा कमरा आएगा इसमें को दे दूंगा ठीक है देख निकल गाइस जी। और चिंटू भाई चिंटू की आंख में प्रॉब्लम हो रही है देख लो ये वाली आंख बहरी इसकी वाली सही है इसकी आंख में पिंचर लगा डालना पड़ेगा वैसे इसके लिए पिंचर लेकर आता हूँ भाई। मैंडी की आंख में भी ऐसी दिक्कत हो जा एक खुला तो एक बंद हो जा दूसरे खुला तो पहले वाली बंद हो जाए तो भाई उसका भी पिंचर लगा डाल दूं मैं उसकी आंख में आराम लग जाए क्या पता भाई इसकी आंख में भी आराम लग जाए मैं लेके भी आ गया भाई पिंचर भाई इसकी आंख में डालना पड़ेगा रुक जा रुक जा भाई दोनों में लगा दे दोनों सही हो जाएंगे अब इसकी अब दिक्कत ना आए भाई अब तेरी आंख खुल जाएगी दूसरी जो बंद हो रही चीचड़ी की भी इसी पिल्ले का दिक्कत हो रही है इसकी बहन का भी हो रही है और इसकी भी हो रही है और भाई इसका जो एक छोटा भाई है ना उसका भी दिक्कत हो रही है तो भाई कल को इनकी दवाई लेकर हुआ आज तो मिली ना थी अगर कल को भाई दवाई ना मिली ना तो इनके लिए पाउडर या फिर साबुन लेकर हुआ भाई इस पाउडर डाल के इन्हें नहा देंगे या फिर साबुन डाल के सॉरी मतलब कि साबुन से नहला देंगे सुनाया था टोने ने बताया भाई एक पिल्ला मर गया इनका अभी हम जा रहे हैं भाई पिल्ले को लेकर उनसे दावने भाई जब छाई लेने गया था और दवाई लेने गया था इनकी जब तक तो ठीक था मैं सोच रहा था भाई इसका कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही डॉक्टर को बुलाऊंगा भाई ये तो आने से पहले ही बताने इसके साथ क्या हुआ वो एक्सपायर हो गया देख लो भाई यूरा पिल्ला भाई इसके कीड़े पीड़े पड़ रहे दिखे मुझे तो ऐसा लग रहा इसका पार्गो वार्गो हो गया था भाई मुझे तो ऐसे लग रहा अकड़ा पड़ा भाई वो पूरा अकड़ा पड़ा यार यू अरे सर पिछड़ का इसको वहां करना जहां इसके पैर है ये देख चीचड़ी कितनी हो रही है इसका घर आ गए हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और इसे देख लो यू मेरे पीछे पीछे पहुंच गई मेरे पीछे पीछे क्यों गई गाइस देख लो भाई यू है इनकी माँ और देख लो भाई इसके भी पता ना क्या दिक्कत होगी भाई मैंने तो इस पर ध्यान दिया रुक जा ले 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 रुक 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 भाई देख लो भी कुछ ज्यादा सीधी हो तो कुछ खैर कहती ना भाई इसके कान में दिक्कत होगी हो रही बस तेरी भाई इसका तो किसी ने कुछ मार दिया फिर लड़ाई में इसको कुछ लग गया भाई यार लोग बाग पता ना कैसे करके आवे दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते तो भाई मारे भी ना देख लो भाई यो आग ले अपनी माँ के द्वारा तुरंत इसका भाई दवाई करनी पड़ेगी जो भी सही होगी इसका स्प्रे डालना पड़ेगा उससे ठीक होगा या फिर इसका जख्म का पाउडर डालना पड़ेगा जब भी ठीक होकर देगी नहीं तो ठीक ना होने का और भी फैलता चला जाएगा धीरे धीरे भाई इसके जख्म में कीड़े फैल जाऊंगा और कीड़े होते भाई फिर तो बेकार है होने के बाद भाई यो भी ना बच पाने की इसके दो बच्चे चले गए पता चला माँ भी चली जाए इसी वजह से उसका ट्रीटमेंट पहले करना पड़ेगा और इस ब्लॉग को मैं अभी यही खत्म कर रहा हूँ ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।